रहा तो भैया रहा तो मत भरे रहा तो सही वैसे सोता होता से कहीं नहीं निकलता ना 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 ठीक पड़े रहा जो यहाँ हमने साहेब आईला गवई से मतलब हमने का लालपुर नवडीहा में घर है आईला जंगल में तो यहाँ पानी हमने पी ले था अब आयल है मीटिंग में तब लौटा है पानी पिया था। तो ये पानी तो पीने लायक है नहीं कि पीने ना ही बस साहेब तो अब मनाई जनता मोरत है तब पीबाई करी है। क्या नाम है आपका? बसंती। तो ये कितने बचपन से पानी पी रही हैं? हाँ हाँ साहब बस बचपन से भाई पानी तवन बा तवन हमने आप लोग पिया था। तो ये नुकसान कभी नहीं किया ये पानी साहब? अब हमने हाई मरता अब जंगल आवत है ना ही पानी बा कहीं तो यह पी के अपन चल जाए था से आगे का पानी चल रहा है। यहाँ इतना पानी चला था बाकी नहाय धो दे हैं हिड़ा कहाँ क्या क्या कर रहे हैं? आ यहाँ बलाव रहा है यही से नहा भी नहाई के जब घर पर ये मीटिंग था। कौन सा जगह ये? झरी टर से दूर से पानी पीने के आते हैं झरी पर। क्या नाम है आपका? गुलाब। तो ये पानी पीने लायक है? अब क्या करें साहब पानी नहीं है तब अब यही भी नहाप कचारा पियो नहीं आपके सामने पानी पी लेगी पहाड़ में से। तो आप सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए वो पानी पीने के लिए क्या? जी हम लोग के पानी की बड़ी परेशानी बा। ये जगह की है काई बहुत बार देखिए इधर लगाइए जी ये झरी नगरी है यहाँ पे प्रकृति का देन एक झरना है वहाँ से हम लोग 4 किलोमीटर जंगल से यहाँ आते हैं तो यहाँ पानी पीने को मिलती है हम लोगों को। यहाँ से हम लोग पानी पी कर अब जाएंगे घर तो 4 किलोमीटर बाद ही पानी मिलेगा। रास्ते कोई पानी सुविधा तो हम लोगों को है नहीं जंगल में आप पशु पानी सभी पानी पीते हैं उसी में पशु भी पीते हैं उसी में आदमी भी पीते हैं उसी में जानवर भी पीते हैं सब आदमी इसी में आदमी जानवर सब एक ही पानी पीते हैं यहाँ पर और यहाँ कोई सुविधा है ही नहीं पानी। तो ये पानी कभी नुकसान नहीं किया आप लोगों? जी नुकसान तो नहीं किया हम लोगों को ये साधना बन गई है। क्या नाम है? जी पप्पू नाम है हमारा। पहाड़ है उसी के अंदर से पानी आता है एक आश्रम है नीचे उसमें ही पानी पीने को मिलता है और वही से यहाँ जो है कि नर्सरी भी वही से चलता है। जी जी ये बहुत अच्छा पानी है यहाँ पर सब निरोगित है पानी पीने के लिए हर एक आदमी 2-3 किलोमीटर दूरी पर आते हैं पानी पीते हैं फिर गौवा बछिया हर एक चीज़ पानी पीते हैं जीव भी जानवर भी यहाँ पर पानी पी लेते हैं भालू भी रहते हैं यहाँ पर और रोज़ सामर ये सब जानवर यहीं से विकास है और यहाँ पौधा भी लगाया जाता है इसी आधार से और इधर उधर का जो जन आदमी है चाहे पशु हैं हर एक इंसान आते जाते रहते हैं यह बात नहीं है अच्छी बात है। ये पहाड़े ये यहाँ पर सामर रोज और लील गाय मतलब ये सब जो हैं और भालू हैं यही सब जानवर हैं और इसी आधार से सबको इसे पानी पीते हैं और एक झंडा है और उधर है वहाँ पर ये झरी है झरी के बाद एक नगरी है
और ये सब दोनों झरना बहुत अच्छा चीज़ है। इसी झंडे के आधार से बहुत सा पौधा भी इसका बरसात वरसात में देखेंगे तो बहुत अच्छा निरकेवल दिखाई देता है। और यहाँ का पानी जो है गर्मी के सीजन से थोड़ा खदाउर दिखा रहा है, नहीं बहुत अच्छा पानी बहने लगता है। पानी पीने के लिए बहुत निरोगी चीज़ है। ये जड़ियों के आधार से पौधा तैयारी से आ रही है, जहाँ से जड़ी से पौधे के जड़ियों से पानी निकल रही है। यहाँ यहाँ जो है ये कुटी है, ये कुटी के आधार पर एक पहाड़ है। पहाड़ के लोग बताते हैं कि बहुत पुराना यहाँ पर एक पोखरा है और पोखरा में से कम 20-22 हाथ का निरुई भी निकला था इस झंडे से। तो इसलिए पानी हर वक्त यहाँ पर बहती रहती है। ये गंगा पवित्र जल यहाँ पर है, भगवान की गंगोत्री एक ऐसा भगवान की महिमा है। प्रकृति का ऐसा देन है कि जो बहुत अच्छा है। ये देखिए पर पौधा के अब तो बरसात भी कम हो गई। क्यों बरसात कम हो गई? कि हम लोगों के यहाँ पर रहने में यहाँ से सब तो भगा देते हैं कि जाओ, अगर जंगल में रहें मनई तो जंगल पौधा का अपने सुरक्षित करेगा, और जब जंगल में रहता नहीं तो पानी बहुत गंदा लग रहा है। ये नहीं नहीं गंदा बात नहीं है, ये बरसात हो गई। यहाँ पर पस भी पीते हैं, जानवर लील भी पीते हैं। यहाँ को कोई सफाई तो करना ही रहा है, तो आखिर गंदा नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं तो क्या नाम है? हमारा नाम जवाहिर है। मुनि रहत रहे, यहाँ मर गए, एक हाथे का रहे, एक हाथे का यहाँ का जड़ बता रहे हैं। और पहले रहे झपिया, ये जो पहाड़ दिखा रहा है सामने, उसी पर वो रह रहे थे। वो क्या खा रहे थे ये भी नहीं बताया। वनवासी थे, जात के वनवासी थे, एक हाथ के थे, उनका हाथ कट गया था अपना। इसके बाद ये यहीं आ गए। यहाँ पानी थोड़ा थोड़ा निकल, जब उनका बस्ती हुआ तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगा। जब वो यहाँ रहने लगे तो ये करीब 5-7 बीघा ज़मीन ये देख रहे हैं ना, ये रुनहान डाल दी, एक हाथ है। और अब तो आप देख रहे हैं कि आदमी ऐसे आवत जात हैं, वैसे आवत जात नहीं रहे। इतना तागड़ा रुनहान रहा कि एक दुआरी एक द्वार बनाए रहने इस तरफ, एक वह तरफ, मतलब कि एक मकान की तरह। इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत, बड़े बड़े महात्मा साधु आवें पहले यहाँ विश्राम करें, धुइयाँ आराम आवें पहले। हम अपने जानकारी के हाल बताओ थे, उस समय में हम 17-18 साल के रहे, बालिक हो गया रहे। तब हम यहाँ आते, थोड़ा सा जमीन हमें पट्टा को मिला भाई ढेकवा हमें, और वहीं खेत अपने खेतिया से घरे से आवत है। तो यहाँ कोई भी हो कि यहाँ आई पानी पी तब आई, और कहीं पानी नहीं। यहाँ से ढेकवा करीब 4 किलोमीटर पड़ी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तुलसीराम है। जीव जैसे कामना करेगा। हम ढेकवा से आ रहे थे तो यही सामने से भालू, दो थे भालू रहे ना, छोटा छोटा बच्चा थे उन्होंने साथ में, एक के साथ में रहे ना, दो थे बड़ा बड़ा रहे। ऐसे ही ना आए यहाँ पानी पीने, हम देखे तो इधर से हम लोग 3 लोग रहे। ये भाई भैया चला ना, हम लोग कुछ नहीं कह पाओ। हाँ तो उन्हें आए यहाँ पानी पिए, लेकिन हम लोग वही दरबारी जो पत्थर का दीवार बा वही गले से ऐसे ऐसे क्रैक चला गए। और तेनुआ भी हम लोग कई बार देखे यहाँ, तेनुआ हरहा एक जो होते हैं बड़ा बड़ा होते हैं, इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा हो गए, वो सब सभी जानवर आवले यहाँ पर यही पानी पीते हैं, यही पानी पीते हैं। और गिलिल गाय, ये कौन सा जगह है? ये झरी पड़ता है। कहाँ पर? पूरा पता बताइए उसका। इसका ग्राम सभा राजापुर, ये राजापुर में पड़ता है, और ये झपिया पहाड़ के नीचे झरी पड़ता है, और ये जो झरना है झरी में पड़ता है, और ग्राम सभा राजापुर में पड़ता है। जिला जिला मिर्जापुर, थाना मरियान, तहसील मरियान।